छत्रपुर गांव के एक छोटे से घर में चंदू अपने बेटे पप्पू और पत्नी मीना के साथ रहता था। एक रात घर के सब लोग सो रहे थे और चंदू गहरी नींद में बेचैन हो रहा था। अचानक चंदू जोर जोर से चिल्लाता है, मिल गया, मुझे खजाना मिल गया। शोर सुनकर मीना जग जाती है। मीना चंदू को नींद से जगाती है। अजी सुनते हो, उठो। चंदू जग जाता है। खजाना मिल गया। शांत हो जाइए, क्या कोई बुरा सपना देखा आपने? बुरा नहीं, बहुत ही अच्छा सपना था। मैंने सपने में देखा कि मैं अपने खेत में खुदाई का काम कर रहा हूँ और खुदाई करते वक्त मुझे हमारे खेत में एक खजाने से भरा हुआ घड़ा मिल गया। और जानती हो, उस घड़े में कीमती सोने और चांदी के सिक्के भरे थे और मैं उन सिक्कों को हाथ में लेकर खुशी से चिल्ला रहा था। फिर क्या हुआ? अरे फिर तुमने मुझे नींद से जगा दिया और मेरा खूबसूरत सपना तोड़ दिया। तभी पप्पू भी नींद से जाग जाता है। अरे पापा, आप ना तो खुद ठीक से सोते हैं, ना हमें सोने देते हैं। आप भी कैसे कैसे सपने देखते हैं, मुझे तो डर है कहीं इस खजाने के चक्कर में आप पागल ना हो जाओ। चलो अब सो जाओ पप्पू बेटा, चल सो जा। चंदू की नजर दीवार पर टंगी घड़ी पर पड़ती है। अभी तो रात के 2 बज रहे हैं, सो ही जाता हूँ, और क्या करूँगा। वो फिर बिस्तर पर मीना और पप्पू के साथ लेट जाता है। चंदू को खेत में छुपे खजाने का सपना पहले भी कई बार आ चुका था और वो सपना देखकर हमेशा सोते सोते ऐसे ही चिल्लाने लगता था। एक दिन चंदू अपने बचपन के दोस्त वीर के साथ चाय की दुकान पर बैठा चाय पी रहा होता है। अरे भाई वीर, कई महीनों से ठीक से सो नहीं पा रहा हूँ मैं। क्यों, क्या हुआ, फिर से वही खजाने का सपना देखा क्या? हाँ यार, फिर वही खजाने का सपना। कुछ समझ नहीं आ रहा है यार भाई, लेकिन लगता है मुझे जरूर कोई बड़ा जैकपॉट मिलने वाला है। क्या कहा, जैकपॉट? क्या बेवकूफी वाली बात करते हो भाई तुम, हैं? चुपचाप कोई काम धंधे पर लग जा, समझा? ऐसे अचानक किसी को कुछ नहीं मिलता। तेरे बापू को मरे 6 महीने गुजर गए हैं, तो खुद सोच, जब से तू अपने परिवार को लेकर शहर से वापस गांव आया है, तूने कोई काम धंधा नहीं किया, सारा दिन इधर उधर घूमता रहता है बस। हाँ भाई, अच्छा याद दिलाया यार तूने। चल 2,000 रुपए उधार दे दे यार, तेरे सारे पैसे एक बार शहर गया तो कमा के चुका दूंगा। हाँ ठीक है, यही बोल बोल के तू पिछले 6 महीने से मुझसे उधार लिए जा रहा है। खैर चल ले ले, तू मेरे बचपन का जिगरी यार है, तो तेरे लिए कुछ भी कर सकता हूँ। अरे यार भाई, तू तो जानता ही है कि मुझे ये खेती का काम करना कभी पसंद नहीं था यार, मैं तो हमेशा से शहर में रहना चाहता था, लेकिन आज मजबूरी में मुझे वापस आना पड़ा। चंदू शहर में नौकरी करता था और उसका परिवार वहीं उसके साथ रहता था। चंदू के पिता गांव में रहते थे। पिता ने उसको बहुत समझाया, लेकिन उसे तो सिर्फ शहर की चमक दमक दिखती थी। उधर घर पर मीना बर्तन साफ कर रही होती है। चंदू थैले में सब्जियां लेकर घर आता है। ये लो, तुमने जो कुछ बोला था सब ले आया हूँ। पैसे कहाँ से मिल गए तुम्हें? तुम्हारे पास तो पैसे नहीं थे। अरे बाजार में वीर मिल गया था, उसी से उधार लिए। शहर से कमा के सब कर्जा एक ही बार में चुका दूंगा। ए, तुम फिक्र क्यों करती हो? कितनी बार बोला है, अपनी ढेर सारी खेती है उसी में कुछ काम करो, शहर जाके दूसरे की गुलामी करने से अच्छा है अपना अपना काम कर लो, लेकिन तुम्हों की सुनते ही नहीं, बस हर समय शहर जाने की धुन और दूसरा खेत में छुपा खजाना। तुम्हारे दिमाग में तो बस यही 2 चीजें चलती हैं। मुझे तो लगता है एक दिन इसी चक्कर में तुम पागल हो जाओगे। तभी चंदू का चचेरा भाई सुरेश अपनी मोटर बाइक लेकर चंदू के घर आता है और उसे आवाज देता है। चंदू, ए चंदू। अरे सुरेश भैया, आप तो बड़े बदले बदले लग रहे हैं, कोई लॉटरी लग गई है क्या? अरे नहीं, मुझे बाबा भैरवनाथ की कृपा से नौकरी मिल गई है।
बाबा भैरवनाथ? हाँ बाबा भैरवनाथ। अरे बड़े ही पहुंचे हुए ज्ञानी बाबा हैं। तुम्हारी अंतरात्मा के भीतर की सारी बातें जान लेते हैं। क्या तुम सच कह रहे हो? अरे बिल्कुल सच कह रहा हूँ, भला मैं तुमसे झूठ क्यों बोलूंगा। क्या तुम हमें बाबा भैरवनाथ से मिलवा सकते हो? अरे क्यों नहीं, जरूर मिलवा दूंगा। हाँ सुरेश भैया, अगर आपके बाबा भैरवनाथ इतने ही ज्ञानी हैं, तो इन्हें जरूर मिलवा दीजिए, वरना या तो ये मुझे पागल कर देंगे या खुद पागल हो जाएंगे। अब क्या बात है मीना भाभी, आप भला ऐसे क्यों बोल रही हैं? अपने भाई से ही पूछ लीजिए, दिन रात सिर्फ दो चीजों की धुन है, एक तो शहर जाना है और दूसरा खेत में छुपे खजाने के बारे में पता करना है। न दिन में चैन लेने देते हैं, न रात को चैन से सोने देते हैं। हम तो बड़े दुखी हो गए भाई आपके भाई से। सुरेश तुम अपनी भाभी की बातें मत सुनो, हा? मेरी बात सुनो, ये बताओ कि तुम जल्द से जल्द मुझे वो बाबा जी से कब मिलवा सकते हो भाई? अरे नेक काम में देरी कैसी, कल ही चलते हैं हम बाबा भैरवनाथ से मिलने। दूसरे दिन चंदू, मीना और सुरेश सभी बाबा भैरवनाथ की कुटी में एक साथ बैठे होते हैं। बाबा प्रणाम। बाबा ये चंदू है, मेरे ताऊजी का बेटा, और ये इनकी पत्नी मीना है। ये दोनों आपसे मिलना चाहते थे, बड़ी उम्मीद लगाकर आपके पास आए हैं बाबा। इन पर अपनी कृपा का हाथ रखिए। ठीक है बच्चा, बताओ क्या जानना चाहते हो? बाबा जी मैं ना कई महीनों से सो नहीं पाया हूँ। बाबा मैं कई महीनों से अपने खेतों में कोई खजाना मिलने का सपना देख रहा हूँ। क्या सच में मेरे खेतों में कोई खजाना दबा पड़ा है? हाँ बाबा जी बताइए, और हमें इस उलझन से बाहर निकालिए। हाँ बच्चा, सच में तुम्हारे खेतों में खजाना छिपा पड़ा है, और वो भी इतना कि तुम सपने में भी नहीं सोच सकते। क्या सच में बाबा जी, हमारे खेतों में सच में खजाना छुपा है? हाँ बच्चा, सच में तुम्हारे खेतों में खजाना छिपा पड़ा है। तो बाबा जी वो छुपा हुआ खजाना हमें कैसे मिलेगा? सब्र रखो बेटा, बताता हूँ। बाबा अपने सामने जल रहे यज्ञ में मंत्र पढ़ते हुए भभूति डालते हैं। सभी की नजर बाबा पर होती है। बेटा तुम्हें अपने खेत में हल चलाने होंगे, खेतों में बीज बोने होंगे, और जब फसल पक के तैयार हो जाए तो मेरे पास आना, फिर मैं तुम्हें बताऊंगा खजाना मिलने का उपाय। आपने जैसा कहा है बाबा जी, मैं बिल्कुल वैसा ही करूंगा, बस मुझे खेतों में छुपा हुआ वो खजाना मिल जाए बस। वो खजाना तुम्हारे खेतों में है, इसलिए उस पर सिर्फ तुम्हारा हक है, और तुम्हें वो जरूर मिलेगा, बस तुम्हें सब्र रखना होगा बेटा। बाबा भैरवनाथ की जय, बाबा भैरवनाथ की जय। बाबा भैरवनाथ की बात सुनकर सभी बहुत खुश थे। चंदू और मीना बार बार सुरेश को धन्यवाद दे रहे थे। सुरेश भाई तुम्हारा बहुत बहुत शुक्रिया, मैं तुम्हारा ये एहसान कभी नहीं भूलूंगा। इसमें एहसान कैसा, भाई भाई के काम आता है। आज तुम्हारी वजह से मुझे बाबा तक आने का रास्ता मिला, और बाबा से उस छुपे हुए खजाने तक जाने का रास्ता मिला। है जिसकी किस्मत में जो होता है उसे वो जरूर मिलता है, बस हमें ऊपर वाले पर भरोसा करना चाहिए। आप बिल्कुल ठीक कह रहे हैं सुरेश भैया। अब हमारे दिन भी अच्छे हो जाएंगे, फिर मुझे कुछ करने की जरूरत नहीं पड़ेगी, हम आराम से शहर जाकर वहाँ की सुख सुविधाओं के साथ रहेंगे। चंदू अपने खेतों में ट्रैक्टर से जुताई करता है, मीना और चंदू दोनों खेतों में बीज बोते हैं। दोनों मिलकर खेतों में बहुत मेहनत करते हैं। एक रात मीना चंदू और पप्पू को थाली में खाना परोस कर देती है और बोलती है, देखते ही देखते आज न जाने कैसे 4 महीने गुजर गए। अब वो दिन दूर नहीं जब बाबा हमें खजाने के बारे में बता देंगे और हमारे दिन बदल जाएंगे।
हाँ पापा, तब आप हमें कार में घुमाएंगे ना? हाँ बेटा, हम उन पैसों से नई कार लेंगे और गांव वालों पर खूब रौब झाड़ेंगे, फिर शहर चले जाएंगे और हमेशा के लिए वहीं रहेंगे। सभी एक साथ हंसते हैं। बहुत जल्द चंदू और मीना अपने खेतों में पूरी तरह से तैयार फसल के बीच खड़े होते हैं। उन दोनों के चेहरों पर मुस्कान होती है। चलो कल बाबा के पास चलते हैं और उनसे खेतों में छुपे खजाने का पता लगाते हैं। क्या क्या सच में तुम्हें अभी भी किसी और खजाने की इच्छा है? मुझे तो हमारे खेत में ये लहलहाती फसल ही असली खजाना लगता है। लगता तो ऐसा ही है, लेकिन खेतों में छुपा सचमुच का खजाना। चंदू बोलते बोलते चुप हो गया और प्यार भरी आंखों से अपने खेतों को देखने लगा। दूसरे दिन चंदू और मीना बाबा भैरवनाथ के पास जाते हैं। बाबा भैरवनाथ की जय हो, बाबा भैरवनाथ की जय हो। बाबा जी, आपने जैसा कहा था हमने वैसा ही किया। तो बच्चा, तुम्हारे खेतों में फसल पक्के तैयार है? हाँ बाबा जी, खेतों में फसल लहलहा रही है। बच्चा, कैसी फसल हुई है तुम्हारे खेतों में? बाबा जी, फसल तो बहुत अच्छी हुई है, खेत तो ऐसे चमक रहे हैं जैसे सोने के सिक्के। क्या बोया था तुमने अपने खेत में? जी बाबा जी, मैंने गेहूं की खेती की थी। तो गेहूं के दाने कैसे हैं? बाबा जी, सोने जैसे पीले, चमकदार और बड़े बड़े। तो तुम्हारा मतलब है कि तुम्हारे खेतों में गेहूं नहीं, बड़े बड़े सोने के दाने हुए हैं? जी बाबा जी, बिल्कुल सोने जैसा चमक रहा है खेत। अच्छा ये बताओ कि मेरे पास से वापस जाने के बाद क्या तुमने फिर कभी छुपे खजाने का सपना देखा? नहीं बाबा जी, मैंने तो वो सपना दोबारा नहीं देखा और मैं उसके बारे में भूल भी गया। बच्चा, ये तो बहुत बड़ी गड़बड़ हो गई। कैसी गड़बड़ बाबा जी, क्या बात है, आप थोड़ा परेशान दिख रहे हैं। तुमने पिछले 4 महीनों से एक बार भी उस छुपे खजाने का सपना नहीं देखा। मुझे लगता है तुम्हारे खेतों में छुपे खजाने की चोरी हो गई है। खजाने की चोरी किसने करी बाबा जी? तुमने अपने खेतों में खजाना होने की बात किस किस को बताई थी? ये बात तो बाबा जी पूरे गांव को पता है। फिर तो जरूर किसी ने तुम्हारा खजाना चुरा लिया। कहीं वीर ने तो नहीं खजाना चुरा लिया? वीर? हो सकता है, क्योंकि उसे भी तो खेतों में छुपे खजाने के बारे में पता था। नहीं नहीं, वीर ऐसा नहीं करेगा। उसने तो हमारी कितनी मदद की। जब मैं शहर से वापस आया तो हमेशा उसने ही मुझे पैसे उधार दिए और आज तक कभी मुझसे वापस भी नहीं मांगे। वो ऐसा नहीं कर सकता, वो मेरे बचपन का दोस्त है। फिर किसने चुराया होगा हमारा खजाना? मुझे नहीं पता किसने चुराया, लेकिन ये जरूर जानता हूँ कि वीर ने नहीं चुराया। पिछले कुछ महीनों से वीर तुमसे मिलने एक बार भी नहीं आया और ना ही उसने तुम्हारा हाल पूछा। मुझे तो पूरा यकीन है कि वीर ने खजाना चुराया है। जिसके पास इतना खजाना होगा वो अपने उधार दिए थोड़े से पैसों के लिए क्यों आएगा? किसी पर चोरी का इल्जाम लगाने से पहले हमें एक बार उसे भी अपनी सफाई देने का मौका जरूर देना चाहिए। सही कहा बाबा जी आपने, हम वीर को यहाँ बुलाते हैं। नहीं, कोई जरूरत नहीं है इसकी, मुझे कोई खजाना नहीं चाहिए। इतने दिनों से जिस खजाने के लिए तुमने हमारा जीना हराम कर रखा है, आज तुम्हें वो खजाना नहीं चाहिए? हाँ हाँ, नहीं चाहिए। और मुझे इस बारे में किसी से कुछ नहीं पूछना है और ना ही तुम इस बारे में किसी से कुछ पूछोगी। भला क्यों नहीं पूछूंगी, मैं तो पूछूंगी और जरूर पूछूंगी, वो भी तुम्हारे सामने पूछूंगी। बाबा जी, मैंने पैसों के लिए भाई भाई को लड़ते देखा है। वीर मेरा दोस्त है,
फिर भी उसने कभी मुझे पैसों के लिए मना नहीं किया। जब मैं अपने पिताजी को छोड़कर शहर चला गया तो उसने ही एक बेटे की तरह हमेशा मेरे पिता का साथ दिया, और उनके जाने के बाद जब मैं शहर से वापस आया तब मेरे मांगने पर हर बार उसने मुझे पैसे दिए, जबकि वो जानता था कि अगर मैं एक बार शहर गया तो कभी वापस नहीं आऊंगा। शायद फिर भी उसने हमेशा मेरी मदद की। फिर हमारा खजाना कहाँ गया? नहीं चाहिए हमें कोई खजाना। मैं अपने खेतों में काम करूंगा और मेहनत करके तुम्हारे लिए सचमुच का एक खजाना बनाऊंगा। सही कहा बच्चा तुमने, ये फसल ही हमारी मेहनत का फल है। हम इस धरती को अपने खून पसीने से सींचते हैं और बदले में ये धरती हमें फल देती है। बेटा, यही तुम्हारा असली खजाना है। इस संसार में हम बहुत कुछ पाने की कल्पना करते हैं, लेकिन सच्चे मन से मेहनत नहीं करते। खैर, आज मुझे खुशी है कि तुमने मेहनत की और उसका फल तुम्हें मिला। वो सब तो ठीक है, लेकिन हमारा खजाना? तुमने फिर खजाने की बात की? हाँ, मैंने खजाने की बात की, और मुझे वीर से पूछना ही होगा कि हमारा खजाना कहाँ छुपाया है उसने। इतना कहकर मीना ने बाबा जी की दाढ़ी और मूंछ उनके चेहरे से हटा दी। वीर और बाबा जी सब जोर से हंसने लगे। मुझे माफ करना मेरे दोस्त, लेकिन हम सब तुम्हारे खेत में छुपे खजाने और शहर जाने की बात से परेशान हो चुके थे। मैंने और भाभी ने तुम्हें कितना समझाया, लेकिन तुम्हें किसी की बात समझ नहीं आ रही थी। इसलिए हम सब ने मिलकर तुम्हें असली खजाने तक पहुंचाने का ये रास्ता ढूंढा। चंदू अपने दोस्त के गले लगता है। मुझे माफ कर दो मेरे भाई, असली खजाना क्या होता है ये समझने में मैंने बहुत देर कर दी। हाँ, देर तो तुमने कर दी, क्योंकि तेरे पिताजी हमेशा तुझे इस खजाने से मिलवाना चाहते थे, लेकिन ऐसा नहीं हुआ। पर मुझे खुशी है कि उन्होंने जो सपना तेरे लिए देखा था, आज तूने अनजाने में ही सही पर उसे पूरा किया है। वो हमेशा तुझे तेरी मेहनत किए हुए लहलहाते खेत के बीच में खड़ा देखना चाहते थे। आज वो जहां भी होंगे तुझे इस तरह देखकर बहुत खुश हो रहे होंगे। मैं वादा करता हूं मैं हमेशा गांव में ही रहूंगा और पूरी मेहनत से अपने खेतों से सोने चांदी का खजाना बनाऊंगा। सब मुस्कुराते हैं और उस दिन के बाद चंदू कभी भी शहर जाने की बात नहीं करता और पूरी मेहनत से अपने पिता के खेतों में अनाज उगाता और खेती करता।